नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार और हम आपको बताने जा रहे हैं आज की हिमाचल की बड़ी खबरें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत पर मानहानि का केस ठोकेंगे। दरअसल बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दावा किया था कि सुक्खू सरकार कर्ज लेकर सोनिया गांधी को पैसे दे रही है। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। भाजपा नेता और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर ग्रीन एनर्जी घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि ऊना जिला के पेखूवाला में 32 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट पर 220 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि गुजरात में इसी तरह का 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट सिर्फ 144 करोड़ रुपए में लग गया। साफ दिखाई दे रहा है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 76 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अगली खबर की बात करें तो कंगना के बयान पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का पलटवार। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सांसद कंगना रनौत बिना तथ्य के बयानबाजी कर रही हैं। कंगना के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अग्निवीर भर्ती के लिए मंडी में होगा फिजिकल टेस्ट। 18 से 24 नवंबर तक होगा शारीरिक परीक्षण। प्रवेश पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को पड्डल ग्राउंड में करना होगा रिपोर्ट। शिमला में हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक। आज प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक शिमला में आयोजित हुई, लेकिन हैरत की बात है कि इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू के सभी मंत्री शामिल नहीं हुए। केवल 3 मंत्री ही बैठक में पहुंचे। हालांकि बैठक में प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की मजबूती की बात। आज की आखिरी खबर में जानेंगे कल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। आज प्रदेश में सबसे कम तापमान टाबो में 8 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं सबसे ज्यादा तापमान ऊना में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।